नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं निर्देशांक और ज्यामिति। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम कुछ वर्ड हैं जो यूज़ करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट। आप सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या होते हैं बच्चा? हमारे पास दो वैल्यू होती है, एक्स और वाई। तो दोनों की जो वैल्यू होती है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई, ग्राफ एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे नंबर है 1, 2 और 3। यहाँ पे भी ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रो है। रो की बात करते हैं 1, 2 और 3। यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे मैं हूँ, तो मैं कितने दूरी पे हूँ, पहले हम x काउंट करते हैं और फिर y काउंट करें। तो x से मेरा क्या है 2, और यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो ये भी क्या है मेरा 2। तो ये x और y की दो वैल्यू आ गई, इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इनको? कोऑर्डिनेट। अब और बात करेंगे इसमें हम, पहला पॉइंट जो याद रखना है, मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ओरिजिन पॉइंट, 0 और 0। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब धनात्मक दिशा क्या होती है। देन नेगेटिव डायरेक्शन की ऋणात्मक दिशा कौन सी होती है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं 1/4 हिस्सा, मतलब 1/4। फिफ्थ हमारे पास आएगा एब्सिसा, जिसको भुज बोलेंगे, और जो एक्स एक्सिस के इक्वल होती है हमारी। और एक बोलते हैं ऑर्डिनेट, जिसको कोटि बोलेंगे, ये वाई एक्सिस। मतलब ये वर्ड है जो हमें याद रखने हैं इस चैप्टर में, ओरिजन, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, क्वाड्रेंट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी चीज क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ होता है हमारा माइनस एक्स एक्सिस, वाई एंड माइनस वाई। तो जो ये वाली चीज़ें हैं हमारी एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब धनात्मक निर्देशांक। यह हमारा है नेगेटिव, यहाँ सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, और जब हम बात करेंगे सेंटर की, तो ये हमारा है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट पे जो वैल्यू होती है एक्स और वाई की, वो हमारी 0 और 0 होती है। अब बात करते हैं, पहले हम एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? प्लस। और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? प्लस। तो प्लस प्लस दोनों किस में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा 1/4, इसका 1/4 हिस्सा। सेकेंड आते हैं एक्स की, पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे। तो एक्स क्या है हमारा? माइनस में, और वाई क्या है हमारा? प्लस में। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। आगे देखते हैं x और y, पहले हम x देखेंगे और फिर y देखेंगे, x और y। तो यहाँ पर x भी हमारा नेगेटिव है और y भी हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे प्लस और y की वैल्यू देखेंगे माइनस। तो हम पहले x देखना है और फिर y देखना है, और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इससे रिलेटेड सारे हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है, x और y। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं जो हमने और वर्ड बोले थे, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हिंदी में बोलते हैं भुज और ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। तो एब्सिसा क्या है? जितने भी एक्स पे हमारे पास पॉइंट हैं वो हमारे सारे एब्सिसा में काउंट होंगे, जितने भी वाई पे पॉइंट हैं वो हमारे ऑर्डिनेट में काउंट होंगे। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट के जो हमारे पास निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 और 0। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब जैसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज 3.1 में, सिर्फ जो अब तक हमने समझा है वही था उसमें, इसलिए मैं आपको 3.2 करा रही हूँ। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो अभी हमने देखा ऊपर कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो इसको, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट। तो क्या बोलते हैं, एक को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक को वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स। ठीक है, आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में,
लिखा इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ, मतलब x से और y से, ठीक है, मतलब x और y से जो हमारे पास एक पोजीशन बनती है, पोर्शन बनता है, उसका नाम क्या है। विच इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द लाइन प्लेन फॉर्म द दिस टू लाइन्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेंट, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़े थे। अगला राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, मतलब जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, तो हमने अभी देखा वो पॉइंट कहलाता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, क्या कहलाता है वो ओरिजिन पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन सी एंड राइट द फॉलोइंग, मतलब हमें एक ग्राफ दे रखा है इसको हमें देखना है और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। तो ग्राफ देखो यहाँ से, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ रहा है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, नीचे हमारा है माइनस वाई, तो हमारे पास क्या है बी डी एच एफ जी, यहाँ पर हमारा एल बी है और एम बी है, ठीक है, और जी और सी, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक में आपकी फिगर बनी हुई है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब बी के निर्देशांक बताने। अब ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, बी हमारे पास ये है, अब हमें पता है पहले हमें एक्स देखना है और फिर हमें वाई की वैल्यू देखनी है, तो जब हम एक्स देखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ से 5, क्या है हमारे पास 5, और बी की वैल्यू क्या है 2, तो माइनस 5 और 2, तो बी के निर्देशांक क्या हो गए माइनस 5 और 2, ठीक है। तो देखो हमने पहला लिखा हुआ है। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब सी के हमें पॉइंट देखने हैं, तो सी देख लेते हैं कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा सी, पहले x देखना है, x पे क्या है हमारे पास माइनस 5 और y पे भी क्या है हमारे पास 5, ठीक है, मतलब पहले x और उसके बाद y, तो माइनस 5 और माइनस 5। नेक्स्ट देख लेते हैं द पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी बाय द कोऑर्डिनेट, मतलब हमें पॉइंट बताना है जहाँ पे माइनस 3 और 5 आता है, क्या आता है माइनस 3 और 5, पहले माइनस 3 और माइनस 5, पहले माइनस 3 देखते हैं x में, ये रहा माइनस 3 और माइनस 5, तो ये कौन सा पॉइंट है ई पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ई पॉइंट, ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या हमारा ई। द पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी बाय, अब देखो 2 और माइनस 4 देखना है कहाँ पे आता है, 2 और माइनस 4, ठीक है, तो 2 एक्स में, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, तो 2 हमारे पास ये है और वाई की वैल्यू क्या है माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारा शो करेगा जी पॉइंट, कौन सा पॉइंट करेगा जी पॉइंट, ठीक है। अगला है द एब्सिसा ऑफ डी, मतलब जो डी का भुज है वो बताना है, डी का भुज का मतलब क्या था देख लेते हैं, ऊपर बोल रहे हैं डी का भुज, डी की वैल्यू ये है और भुज का मतलब एक्स की वैल्यू और कोटी हमारी वाई की वैल्यू, तो डी का भुज क्या है हमें सिर्फ इसमें 6 बताना है, क्या बताना है 6, क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ एक्स की लेनी है, तो ये एब्सिसा हो गया हमारे पास। आगे है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ एच, तो ऑर्डिनेट h की वैल्यू बतानी है, h का ऑर्डिनेट, तो देख लेते हैं h कहाँ पे रहे हमारा, ठीक है, तो h हमारे पास यहाँ है, ठीक है, तो h का ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट का मतलब हमें y की वैल्यू बतानी है, तो कितना है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ l और m, दोनों की वैल्यू देख लेते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ l और m, पहले l देख लेते हैं, l कहाँ पर है, ये हमारे पास l है, अब l पे हमारे पास अगर x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू तो ये जा रही है हमारी, तो इस पे क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 0, x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास पहले 0 और y की वैल्यू क्या है 5, तो l के पॉइंट होंगे हमारे 0 और 5, क्या होंगे 0 और 5। m की वैल्यू देख लेते हैं, m हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है माइनस 3, x की वैल्यू है माइनस 3 और y की वैल्यू है माइनस 5, ठीक है, सॉरी m के पॉइंट बोल रहे थे, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और इस पे y की बात करो तो y कितना है 0, कितना है 0, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता, हम बात करते हैं यहाँ पे कि 2 और 5 बताना है, क्या बताना है 2 और 5, तो 2 देखो ये जा रही है और 5 हमारा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मिट करती, ठीक है, ये हमारा पास था 3.2 जिसमें हमें पॉइंट बताने थे, एब्सिसा बताना था, ऑर्डिनेट बताना था, जो एब्सिसा है वो हमारी क्या है
एक्स की वैल्यू जो ऑर्डिनेट है वो हमारी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट बताने याद रखने हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। हम पहले कर चुके थे कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो पहले देखते हैं हमारे पास -2 और 4, हमें पहले क्वेश्चन में ही क्या बोल रहे हैं। देखो, हमने क्वाड्रेंट निकालना सीखा था कि पहले हम x बोलेंगे और फिर y बोलेंगे, तो इनके साइन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी वैल्यू किस में आएगी। तो पहला क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो मतलब जैसे हमने बोला -2 और 4, अब -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखो, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाया हुआ है। आपको जब भी क्वेश्चन करो तो ग्राफ बना के तब करें ताकि आपको ईजी रहे। तो -2 और 4, तो पहले x की वैल्यू देखनी है। ये हमारे पास -2 है और 4 हमारे पास यहाँ है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगली वैल्यू 3 और -1, तो 3 देखते हैं। पहले प्लस का 3 है और माइनस का 1। तो देखो, ये यहाँ पर आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट -1 और 0, देखो -1 ये है और इसी के पास हमारे 0 आएगा। इसको आप सेकंड में भी लिख सकते हो और थर्ड में भी लिख सकते हो। कौन से में लिख सकते हो, थर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 और 2, तो 1 हमारे पास कौन सा है, 1 और 2, तो ये 1 है और ये 2 है। तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास -3 और 5, तो -3 कौन सा है हमारे पास, ये रहा -3 और 5, ठीक है, -3 और 5, तो ऊपर जाएगा 5। तो ये इसमें कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, ठीक है। सेम अगर मैं आपसे बोलूं कि -3 और -2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखो -3 कौन सा, ये रहा, और -2 हमारे पास ये है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड में। कौन से में आएगा, थर्ड में, ठीक है। तो आपको बना के सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये वाले जो सारे पॉइंट हैं हमारे प्लस के होंगे, अगर इधर जाएंगे एक्स तो माइनस के होंगे, सॉरी ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। और पहले अगर ए बी सी डी की बात करें तो उसमें हम पहले एक्स पढ़ते हैं फिर वाई पढ़ते हैं, इसीलिए पहले सिर्फ एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, ठीक है। आते इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, लिखा प्लॉट द पॉइंट एक्स और वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूज अ सुटेबल यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि हमें एक सारणी दे रखी है, ठीक है, और एक्स और वाई दो वैल्यू दे रखी है। तो मैंने इनके नाम लिख लिए, जैसे ए बी सी डी और ई। तो जो ए के पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, -2 और 8, बी की वैल्यू है -1 और 7, सी की वैल्यू 0 -1.25, डी की वैल्यू है 1 और 3, ई की पॉइंट है 3 और 1, ठीक है। तो इनको अब हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लॉट से वैल्यू उठा रहे थे, अब हमें इन्हीं को प्लॉट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा। आप स्केल से पूरा 1-1 सेंटीमीटर का ले सकते हो या रेडीमेड ग्राफ में कर सकते हो। आगे देखते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और -x, वाई और -y, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो हमें क्या बोल रहा है, -2 और 8, मतलब x की वैल्यू क्या लेनी है हमें, -2 और 8। तो x की वैल्यू क्या है, -2, और y की वैल्यू क्या है, 8। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमने a प्लॉट कर दिया। क्या प्लॉट कर दिया, a, ठीक है। इसके बाद देखते हैं b, हमें है -1 और 7, b क्या है, -1 और 7, तो b देखते हैं -1 और 7, तो यहाँ पे हमारा आ गया b पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 0 -1.25, तो सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 और -1.25, तो ये हमारे पास देखो 1 यहाँ पर है, तो 1.25 क्या आएगा नीचे। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट मैंने लगाया हुआ, ये क्या प्लॉट करेगा हमारा, 0 -1.25, क्या होगा, -1.25, सी आ गया। अब डी की बात करते हैं, 1 और 3, डी की बात करते हैं 1 और 3, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3, तो -1 और 3। ई की बात करते हैं 3 और -1, 3 और -1,
तो 3 ये आ गया, माइनस 1 यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पूरा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा होता है, 1.1 क्या है, सॉरी क्वाड्रेंट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो